बीएड स्कॉलरशिप 2022 ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एनएसपी के साइट से बीएड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उन तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। फाइनली उनका जो स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आपको अपना वेरिफिकेशन स्टेटस देखना है, कैसे आपको पता चलेगा हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और आज की वीडियो में विद लाइव प्रूफ आपको बताऊँगा कितना अमाउंट यहाँ पर स्कॉलरशिप का मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। ध्यान देना स्टूडेंट, जो फ्रेश एप्लीकेंट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बीएड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है उन्हें नॉर्मली फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना एप्लीकेशन यहाँ पे रिन्यूअल किया है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग उन्हें नॉर्मली रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जब आप इन दोनों पे लॉगिन करेंगे और अगर आपको लॉगिन नहीं आ रहा है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली है तो वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट, अगर लॉगिन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और या एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर दिखा रहा है तो डोंट बी पैनिक स्टूडेंट। जो पहली प्रोसेस होती है आपकी इंस्टीट्यूट लेवल पर वेरिफिकेशन होता है उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पे आती है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तो यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ 6 फरवरी 2023 आज की डेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो चुका है। देन ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरीफाइड दिखा रहा है देन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। देन आपकी जो स्कॉलरशिप है आने वाले 1 या 2 महीने बाद आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने वाली है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका स्टेटस इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिखा रहा है देन आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने वाली स्टूडेंट, इसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ध्यान देना स्टूडेंट, जो उत्तराखंड राज्य से जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है नॉर्मली स्टेट स्कीम में जाके आप देख रहे होंगे उत्तराखंड वालों के लिए जो वेरीफिकेशन है आपका इंस्टीट्यूट लेवल पर जो डिफेक्टेड फॉर्म है जिनके फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन की प्रोसेस अंडर प्रोसेस या फाइनल वेरीफाइड नहीं दिखा रहे उन स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है 15 फरवरी 2023 तक आप अपने आवेदन फॉर्म में जो डिफेक्ट आपके फॉर्म में लगा उसे सही कर दें, वरना 15 फरवरी के बाद आपको दोबारा से इसके लिए करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा देन आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना स्टूडेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं अमाउंट के रिगार्डिंग। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस की थी मैं आपको अमाउंट दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिली थी मुझे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट। ध्यान देना स्टूडेंट, ये कैटेगरीज वाइज आपको स्कॉलरशिप मिलती है, मैं आपको पहले ही वीडियोज़ में बता रखा हूँ जिन्होंने मेरे पहले की वीडियोस भी देखी होगी बीएड स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो ओबीसी कैटेगरी वालों को जो स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे मिलती है 28,350 रुपये आपको ओबीसी की स्कॉलरशिप के अमाउंट मिलती है। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, एससी एसटी कैटेगरी वालों को यहाँ पे जो स्कॉलरशिप अमाउंट है 30,500 रुपये मिलती है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी वालों स्टूडेंट को भी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है 28,350 रुपये सेम अमाउंट यहाँ पे मिलती है। ध्यान देना स्टूडेंट, जब आपका यहाँ पे जो ऑप्शन में जैसे कि मैंने बताया था कि एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आ जाता है उसके बाद जो आपका यहाँ पे प्रोसेस होती है एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट देन आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है और यहाँ पे जो स्टेटस देख सकते हैं आप, योर स्कॉलरशिप पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड ऑन NSP। आई होप ये डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अनदर क्वेरी आपकी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।